मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले फैक्ट्री द्वारा जिन पार्ट्स को नहीं बनाया जाता है यानी रॉ मटेरियल्स जैसे यूवी चैम्बर जो कि सबसे ज्यादा पानी को शुद्ध करता है, इसे अदर फैक्ट्री से प्रोसेस किया जाता है जिसकी क्वालिटी की अच्छी तरीके से फैक्ट्री में जांच भी की जाती है। इस प्रोसेस के बाद फैक्ट्री में सबसे पहले प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा आरओ के ढांचे को तैयार किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब बारी आती है इसके मोटर पंप को बनाने की, जो कि अशुद्ध पानी को आउटर प्लेटफॉर्म से खींचता है और शुद्ध पानी को वाटर टैंक में ऐड करता है, जिसके लिए फैक्ट्री में एल्यूमिनियम, लोहा और प्लास्टिक का यूज करके इनके सभी पार्ट्स को तैयार करके इन्हें तांबे की वायरिंग द्वारा एक साथ असेंबल कर दिया जाता है। मोटर पंप के मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाटर को क्लीन करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस पद्धति पर आधारित आरओ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स को तैयार किया जाता है, जो कि पॉलीमाइड, पॉलीसल्फोन और पॉलिएस्टर की तीन मिक्सअप लेयर से बनी एक चौड़ी शीट से बने होते हैं। यह मेम्ब्रेन्स अशुद्ध पानी में प्रेजेंट वायरस, छोटे छोटे कीटाणुओं, पत्थरों, धूल मिट्टी के कणों आदि को सोख लेते हैं और शुद्ध पानी को अगली प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं, जिस वाटर को यूवी चैम्बर द्वारा पूर्ण तरीके से शुद्ध कर लिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन सभी पार्ट्स को एक एक कर वर्कर्स द्वारा असेंबली लाइन में अपने हाथों से असेंबल किया जाता है। इसी के साथ इसमें TDS मेंशन, यूवी एडेप्टर, यूवी चैम्बर सभी पार्ट्स को भी असेंबल किया जाता है। सभी पार्ट्स के असेंबल हो जाने के बाद अब इस आरओ की जांच की जाती है और यही नहीं बल्कि फिल्ट्रेशन पानी की लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद ही इस आरओ को उपभोक्ताओं को सेलिंग के लिए सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में आरओ को बनाया जाता है। प्रेशर कुकर का यूज दुनिया के प्रत्येक घरों में किया जाता है। प्रेशर कुकर हमारे काम को तो सरल बनाते ही हैं, साथ ही यह हमारे समय को भी बचाते हैं। तो चलिए आज की इस अमेजिंग वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में इस प्रेशर कुकर को कैसे बनाया जाता है। और यार यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप हमेशा देख पाएँ। सबसे पहले प्रेशर कुकर की बॉडी को बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम की प्लेट का यूज किया जाता है, जिसे एक पंचिंग मशीन द्वारा कुकर की बॉडी का शेप दे दिया जाता है। इसी के साथ इसमें हीट कंडेंटर वाली जाली को भी जोड़ दिया जाता है ताकि हम जब भी कुकर में कुछ भी पकाएं तो वह माल जले ना। इसके बाद अब प्रेशर कुकर के ढक्कन को बनाया जाता है। इसके लिए एल्यूमिनियम की प्लेट को पंचिंग मशीन में प्रेस करके कुकर की बॉडी पर फिट होने वाला ढक्कन का शेप बना दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद कुकर की बॉडी को कांच जैसी चमकीली फिनिशिंग दी जाती है और ढक्कन पर भी यही सेम प्रोसेस लागू होती है। इस प्रोसेसिंग को मिरर प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब इन बॉडी को वॉशिंग प्लांट में गर्म पानी से वॉश किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद कुकर की इन बॉडी और ढक्कन को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में 1 घंटे तक रखा जाता है, जिसके कारण इनकी बॉडी का कलर ब्लैक हो जाता है। अब इन दोनों को असेंबली लाइन में भेजा जाता है, जहां पर सबसे पहले इसके ढक्कन पर बोल्ट और सीटी को लगाया जाता है। अब इसी ढक्कन पर ग्रोमेट को लगाया जाता है, जो इस प्रेशर कुकर का प्रेशर मेंटेन करता है, जिससे कुकर ज़्यादा प्रेशर पर भी ब्लास्ट ना हो और बड़ी से बड़ी घटना भी टल जाए।
अब इसकी बॉडी पर हैंडल को असेंबल कर दिया जाता है। आगे तैयार कुकर की क्वालिटी और प्रेशर चेकिंग की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने पर इसे पैक करके शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से फैक्ट्री में बनाया जाता है कुकर को। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना।